गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आया हूँ और ये वीडियो जो है क्लास 9 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि इकोनॉमिक्स से लिया गया है। चैप्टर का नाम है पीपल एट रिसोर्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग फिर वही चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पीपल एट रिसोर्स, यानी कि लोगों का उपयोग संसाधन के रूप में किस प्रकार से होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स के माध्यम से डिस्कस किया था, तो फिर से आज हम लोग जो है क्लास 9 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है पीपल एंड रिसोर्स। और इसमें जो है हमारे लगभग 2 पॉइंट्स रह गए थे, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम लोग जो है अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमारे पॉइंट इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है हमारा, इस पर आज की टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ अनयूज्ड ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसका फॉर्म है, या यूं कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ अनयूज्ड ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे अनयूज्ड ह्यूमन रिसोर्स है जिसका फॉर्म जो है अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है सोशल एंड पॉलिटिकल इफर्ट फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए कौन से सोशल और पॉलिटिकल इफर्ट, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रयास किए जा रहे हैं। तो सामाजिक और आर्थिक प्रयासों के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ अनयूज्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो है 2 कहानी पढ़े थे। एक कहानी हमने सकल की पढ़ी थी और दूसरी कहानी जो है हम लोगों ने यहाँ पे विलास की पढ़ी थी। तो चलिए, सकल की कहानी में उसकी माँ शीला है जो घर का काम करती है, बच्चों की देखरेख करती है और अपने हस्बैंड बूटा की खेतों में मदद करती है। दूसरी कहानी सकल के भाई जीतू और उसकी बहन सीतू की थी, जो पूरा समय खेलने कूदने में लगा देते थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि जीतू, शीला, जीतू, सीतू, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या ये बेरोजगार है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? यानी कि इस कहानी में हम लोग जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोग खेलने के काम में लगे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इस प्रकार से हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि क्या वो बेरोजगार है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इस पर चलिए हम लोग जो है चर्चा करते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके बदले हम कुछ भी चीज देते नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके बदले कुछ दिया नहीं जाता है। अगर शीला की बात करें तो वो किसी भी प्रकार से घर के काम के अलावा किसी और चीज में वो इंटरेस्टेड नहीं है। और जीतू और सीतू की बात करें तो वो जो है वर्क फोर्स पॉपुलेशन में उनकी गिनती नहीं आती है, ना ही जीतू सीतू को जो है अनएम्प्लॉयड कहा जा सकता है, बेरोजगार कहा जा सकता है। जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन की बात करें तो 15 से 59 साल तक के, यानी कि 15 से 59 तक, अगर 15 से 59 साल तक के लोगों को हम लोग जो है अनएम्प्लॉयड के अंदर में या बेरोजगार इतने से, अगर 15 साल से लेकर 59 साल तक का कोई व्यक्ति है और कोई काम नहीं कर रहा है तो उसे हम बेरोजगार की श्रेणी में ले आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सकल की बात करें, सकल के छोटे भाई बहन की बात करें तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड ग्रुप में नहीं आते हैं। अगर सकल की माँ शीला की बात करें जो परिवार का काम करती है तो कहा जा सकता है कि पारिवारिक काम करने के लिए उसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता है, इसलिए इसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता है। अगर सकल के ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि उनकी उम्र जो है 60 के ऊपर है। अगर हम भारत की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कई प्रकार से बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर 2 प्रकार की बेरोजगारी, पहली है सीजनल और दूसरी है डिस्गाइज, 2 प्रकार की बेरोजगारी जो है देखने के लिए मिलती है। अगर शहरी क्षेत्रों की
बात करें तो शहरी क्षेत्रों में अधिकतर अगर आप देखेंगे तो जो है आपको एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हें कोई उनके हिसाब का काम नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है वो काम नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से अगर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ही महीने लोगों को काम मिल पाता है, यानी कि वर्ष के कुछ महीने लोगों को काम मिलता है, बाकी समय जो है उनको काम नहीं मिल पाता है। जो लोग होते हैं वो पूरे तरीके से कृषि कार्यों पर डिपेंड होते हैं। और आपको बता दें कि कुछ ऐसे सीजन होते हैं जैसे बुआई के सीजन में, कटाई के सीजन में, मड़ाई के सीजन में ही उनको कृषि में काम मिल पाता है, बाकी महीने जो है उनको, या यूं कह सकते हैं कि बाकी महीने काम नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से डिजाइन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें एम्प्लॉयड होने के बावजूद भी लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। जैसे आप याद करें कि आपके पास कोई कृषि योग्य भूमि है जिस पर आप काम करते हैं। अक्सर क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्य जो है एक ही काम में लगे होते हैं, जैसे 5 से 8 लोग जो है उसी काम में लगे हैं तो 3 लोग जो है कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 3 लोगों के काम को 5 लोग जो है कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में आती है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है, अक्सर जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं और एजुकेटेड होने के साथ साथ उनको उनके हिसाब का काम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा या पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं लेकिन उनके हिसाब का उनको काम नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में अक्सर लोग जो है अनएम्प्लॉयड होते हैं। आगे हम अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहा जा सकता है कि एक बार जो मैन पावर है या मैन पावर रिसोर्स है उसका वेस्टेज है, क्योंकि लोग तो है उपलब्ध लेकिन उनके लिए कार्य उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो लोग जो है हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ देखेंगे तो जब पैसे उनके पास नहीं होते तो वो परिवार चलाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। इस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमी पर ओवरलोड जो है बढ़ता है। साथ ही साथ देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर निकल कर आती हैं, जिससे अगर आप देखेंगे तो लोगों का हेल्थ स्टेटस भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अगर आप भारत में केसेस की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है लो है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो लो प्रोडक्टिविटी में काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ देखेंगे तो वो जो है ऐसे काम में लगे हुए हैं जो काम शायद उनके करने के लायक नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि इस कहानी को पढ़ने के बाद हमको ये पता चलता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भारत में चरम सीमा पर है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार है। इस प्रकार से पहले पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ अनयूज्ड ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि लोग तो उपलब्ध हैं लेकिन लोगों के लिए लोगों के हिसाब का काम उपलब्ध नहीं है। जब लोगों के हिसाब का काम उपलब्ध नहीं है तो वो सभी लोग जो है बेरोजगार हैं। तो इस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या लगातार जो है हमारे भारत में बढ़ती चली जा रही है। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोगों के पास काम उपलब्ध नहीं है। आगे है सोशल एंड पॉलिटिकल इफर्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सोशल और पॉलिटिकल इफर्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से किया जा रहा है। तो चलिए एक गांव की कहानी पढ़ते हैं। एक देखिए एक गांव है जहां पर ढेरों परिवार रहते हैं। अगर प्रत्येक परिवार की बात करें तो प्रत्येक परिवार इतना पैदा कर देता है कि वो अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण कर सकता है। अगर प्रत्येक परिवार के सदस्यों की बात करें तो वो जो है स्वयं कपड़े बनाते हैं, स्वयं लोगों को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा परिवार है जो ये निर्णय लेता है कि वो जो है अपने एक लड़के को जो है एग्रीकल्चर कॉलेज में, यानी कि कृषि विद्यालय में जो है पढ़ा
आपको भेजेगा। वो लड़का जो है उसको गांव के बगल एक कृषि स्कूल में दाखिला मिल जाता है। कुछ समय बाद वो पढ़कर आता है और एग्रो इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन होता है। वो पढ़ता है और पढ़कर जो है वो गांव में वापस आता है और वो ये सिद्ध कर देता है कि मेहनत के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलकर वो एक ऐसा हल बनाता है जिससे खेतों में जुताई करके आसानी से गेहूं की बुआई की जा सकती है। इस प्रकार से उसे एग्रो इंजीनियर के रूप में काम मिल जाता है। उसका जो परिवार होता है उसका परिवार कृषि करता है और कृषि में जो पैदावार उसके यहाँ होती है वो पर्याप्त मात्रा में पैदावार होती है जिसे वो बगल के गांवों में भी बेचते हैं और उससे जो है अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इस प्रकार से ये तो रही एक सक्सेसफुल फैमिली की कहानी। साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ने की वजह से उसे एक अच्छा भविष्य मिल जाता है। इस प्रकार से पंचायत के जितने भी लोग होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि गांव में एक विद्यालय जरूर खोला जाना चाहिए। वहाँ पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ देखेंगे तो गांव के अन्य लोग वहाँ पर लोगों को भेजते हैं, बच्चे जाते हैं और वहाँ पढ़ाई का काम शुरू करते हैं। साथ ही साथ देखेंगे दूसरे जॉब जैसे वहाँ पर टेलर की भी दुकान खोल दी जाती है। साथ ही साथ जो है देखेंगे तो कपड़े की भी दुकान वहाँ खोल दी जाती है। इसके अलावा और भी जो है अन्य चीजों की दुकानें वहाँ पर खोली जाती हैं जिससे लगातार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो गांव की मार्केट है या जो गांव है वहाँ लगातार जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार से वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जो है सोशल और पॉलिटिकल इफर्ट्स के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाया गया और ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से किस प्रकार से आउटपुट जो है प्राप्त किया गया। एक छोटे से किसान के बच्चे को एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलाया गया, वहाँ उसने किसी की पढ़ाई की और किसी की पढ़ाई करने के बाद वो गांव आया और गांव में भी उसने इस प्रकार के माहौल को बनाया कि जो है और लोगों को काफी लाभ हो। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में आपको वेरी शॉर्ट में सारे क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट में 1, 3, 6, 8 और 10 शॉर्ट में 1, 3, 6, 8 और 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। लॉन्ग में अगर आपको करना है तो लॉन्ग में 1, 4, 5, 7 और 8 इतना जो है आपको सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी प्रकार की समस्या होने पे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे। थैंक यू।